हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग टैली प्राइम में पॉइंट ऑफ सेल सीखेंगे, यानी पॉइंट ऑफ सेल कैसे बनाया जाता है और साथ में इसमें हम लोग डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। और डिस्काउंट दो तरीके से, एक सेपरेट डिस्काउंट कॉलम और एक ऑल सेल वैल्यू, यानी जितने भी सेल वैल्यू पे उस पर डिस्काउंट कैसे देंगे और पर आइटम डिस्काउंट कैसे देंगे, ये तीनों चीज़ हम लोग सीखेंगे और साथ में एक पॉइंट ऑफ सेल भी सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने पीडीएफ फाइल एक बना रखा है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। और इस पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन और उससे पहले एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक शॉर्टकट की मैं जो भी प्रेस करूँगा इस पर शो करेगा, तो आप लोग इस पर भी ध्यान देते रहिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ फिलहाल। और ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ सेल का क्वेश्चन और यहाँ पर दीपक स्टोर सोल्ड अ फ्लोइंग आइटम, यानी दीपक जो है वो सेल कर रहा है फ्लोइंग गुड्स, आइटम जो भी है वो सेल हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ पहले टैली पर और देखिए यहाँ पर एक कंपनी मेरा बना हुआ है सुपरमार्केट के नाम से। तो सबसे पहला काम है कि मैं डिस्काउंट को पहले एक्टिवेट कर लेता हूँ और टैली प्राइम में कैसे एक्टिवेट करेंगे ये भी आप लोग जान लीजिए। तो चलते हैं F11 कीजिएगा और सबसे ऊपर आइएगा और यहाँ पर लिखा है यस, इसको यस कर दीजिएगा। और देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ थोड़ा सा जूम करके, सो मोर फीचर्स, ये ऑप्शन आपको सबसे ऊपर मिलेगा, इसको आप लोग यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद सबसे नीचे आइएगा यहाँ पर इस ऑप्शन पे, देखिए यहाँ पर लिखा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको भी आपको यस कर लेना है। तो चलिए मैं इसको, यस है मेरा ऑलरेडी और मैं इसको यस भी कर ले रहा हूँ, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यस करके बस आगे बढ़ जाइएगा और एक्सेप्ट। अब सबसे पहला काम है हम लोग को भाउचर बनाना, तो भाउचर कैसे बनाएंगे POS का, तो क्रिएट में चले जाइएगा सबसे ऊपर, क्रिएट भाउचर टाइप और यहाँ पर लिख दीजिएगा POS इनवॉइस, इंटर। यहाँ पूछेगा सेलेक्ट टाइप ऑफ भाउचर, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ भाउचर, तो इसमें आपका हो जाएगा सेल भाउचर, क्योंकि जो भी हमारा होता है पॉइंट ऑफ सेल हमेशा सेल ही होता है, इसलिए हम लोग सेल भाउचर इसमें ले लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ से मैं सेल ले लेता हूँ और इंटर, और इधर जो जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, इधर कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा और इस साइड में आके जितना भी ऑप्शन दिख रहा है आपको यस करना है सबको। तो पहले इसको यस कर लेते हैं, ये है प्रिंट भाउचर आफ्टर सेविंग, यानी इसको यस करने से ये होगा कि अगर जैसे ही क्वेश्चन को एक्सेप्ट कीजिएगा आप, उसी वक्त आपका प्रिंट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। तो हाँ, हम लोग को चाहिए कि बिल बनाओ और प्रिंट हो जाए, तो इसको यस कर लेते हैं। उसके बाद यूज POS इनवॉइसिंग, यानी POS आपको यूज करना है, तो हाँ इसको भी POS इनवॉइसिंग यूज करना है। उसके बाद लिख रहा है मैसेज टू प्रिंट वन और मैसेज टू प्रिंट वन, यानी दो मैसेज लिखने के दे रहा है कि जो आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थैंक यू और यहाँ पर लिख देता हूँ विजिट अगेन, और यहाँ पर भी एक मैसेज दे रहा है डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, तो डिफ़ॉल्ट टाइटल में लिख दीजिएगा वेलकम यू, यानी जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देना चाहें दे सकते हैं, इस मैसेज जब आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेट डिक्लेरेशन, तो इसको भी यस कीजिएगा, इसमें पहले से एक मैसेज दिया हुआ है तो आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं या खुद से लिख दीजिए सोल्ड गुड्स फॉर नॉट रिटर्न, सोल्ड गुड्स फॉर नॉट रिटर्न, और बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये आपका बन चुका है। अब पहला काम है लेजर बनाना, तो लेजर कैसे बनेगा, तो लेजर एक बना लेंगे हम लोग दीपक स्टोर का और एक सेल का, दो लेजर बन जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं लेजर और यहाँ पर दीपक स्टोर सेल कर रहे हैं तो सेंडरी डेबिटर्स, और बस एंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद सेल हो गया, दीपक हो गया, उसके बाद सेल, और सेल का ग्रुप हमेशा सेल अकाउंट, एक्सेप्ट।
उसके बाद स्टॉक आइटम बना लेंगे हम लोग। तो स्टॉक आइटम के लिए क्या क्या है स्टॉक आइटम में, तो देखिए राइस है, वेट है और शुगर है, फ्लोर है। तो चलते हैं यहाँ पर क्रिएट, और यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी है, ग्रुप है और आइटम है, यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक आइटम और डायरेक्टली सब बना लेंगे हम लोग यहीं से, ग्रुप भी और यूनिट भी। तो आइटम में चलते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं क्या था, राइस। राइस इंटर कीजिएगा तो अंडर पूछेगा। तो देखिए आप यहाँ पर भी अल्ट से भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पर क्रिएट दिया है, यहाँ पर क्रिएट पे भी जाके क्लिक कीजिएगा तो आपका ओपन हो जाएगा स्टॉक ग्रुप। अब यहाँ पर लिख दीजिए फूड मटेरियल, फूड में आता है इसलिए फूड मटेरियल ले लिए। और यहाँ पर यूनिट, तो अल्ट सी करके या यहाँ भी क्रिएट का ऑप्शन है, आप क्रिएट पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ले लेते हैं KGS। और थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में यहाँ पर आपको 3 डालना है, इस वैल्यू में 0 है जहाँ पर आपको 3 डालना है। 3 डालने से ये होगा कि आपका जो पॉइंट में क्वांटिटी होगा, यानी पॉइंट के बाद जैसे हो गया 2 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू होगा उसको लेने में ये आसानी रहेगा। अगर ये नहीं डालिएगा तो आपका राउंड फिगर में ही वैल्यू लेगा, अगर 3 किलो 500 ग्राम डालिएगा तो सीधे 4 किलो ले लेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 डालेंगे। 3 इसलिए डालेंगे क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम रहता है, और 1000 ग्राम में 3 जीरो होता है, 1000 में 3 जीरो होता है। तो 3 जीरो को हम लोग को कन्वर्ट करना है लास्ट वाले को, इसलिए हम लोग 3 ही डाले हैं। एक्सेप्ट, और यहाँ पर एक्सेप्ट, राइस हो गया, उसके बाद वेट, और इसका भी ग्रुप फूड, और यहाँ पर केजी, उसके बाद शुगर है, शुगर फूड, इसको भी एक्सेप्ट। उसके बाद फ्लोर है, FLOUR, फ्लोर, और फूड एक्सेप्ट, ये हो गया। इसमें भी कुछ आइटम दिया हुआ है, इसको भी मैं बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर टी शर्ट है और शर्ट है, जींस है, फ्रॉक है। तो यहाँ पर मैं टी शर्ट, और इसका ग्रुप हो जाएगा क्लॉथ। तो अल्ट सी करके मैं बना लेता हूँ यहाँ पर क्लॉथ, और ये आपका किस में है, PCS में है। तो यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा या अल्ट सी भी कर लीजिएगा, और यहाँ पर PCS, इसमें जीरो आपको नहीं डालना है, सॉरी 3 नहीं डालना है, जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा, जीरो रहता है जीरो ही रहने दीजिएगा। और ये हो गया एक्सेप्ट, टी शर्ट हो गया, उसके बाद शर्ट है, जींस है, शर्ट, उसके बाद जींस, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्लोथ, और ये हो गया, उसके बाद जींस, सॉरी जींस हो गया, फ्रॉक, फ्रॉक भी क्लोथ में आ गया, और ये एक्सेप्ट। बैक कर लेते हैं, सारा कुछ बन चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिएगा दोनों में डिस्काउंट काटने का तरीका अलग है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो सही से समझ में आएगा कि डिस्काउंट क्या है और पॉइंट ऑफ सेल कैसे बनेगा। तो चलिए दीपक स्टोर चलते हैं, भाउचर में एक भाउचर, और यहाँ पर इफेक्ट करेंगे, और देखिए POS शो कर रहा है तो POS ले लीजिएगा यहाँ पर, और सेल भी है तो यहाँ पर POS ले लेंगे, और यहाँ पर नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर ले लेंगे दीपक स्टोर, और दीपक स्टोर का डिटेल्स अगर डालना है तो डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ जेल रोड आरा। उसके बाद सेल का लेजर, सेल पूछ रहा है, सेल का लेजर ले लीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में क्या क्या है, राइस, ये लिए राइस, और क्वांटिटी कितना है 15,570 रुपये के जी। तो यहाँ पर बैक स्पेस करके एक बार 15,570 रुपये, ये आ गया। डिस्काउंट भी डालना है इसमें, तो देखिए थोड़ा सा बैक स्पेस करना पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आगे बढ़ जाता है। तो इसमें बैक स्पेस करके 2% डिस्काउंट यहीं पर दे देंगे, सॉरी 2, यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये रहा डिस्काउंट का कॉलम। तो आपको यहीं पर डिस्काउंट डालना है 2%, तो 2% मैंने डाला, ये ऑटोमेटिक माइनस हो गया है अपना। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेट, वेट,
और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्वांटिटी ले लेता है, तो आपको क्वांटिटी फिर से बैक स्पेस करके चेंज करना पड़ेगा, यानी बैक स्पेस की प्रेस कीजिएगा उसके बाद चेंज कर लीजिएगा। तो इसमें 20 केजी और 40 रुपये और डिस्काउंट है 5, तो 20 केजी हो गया, उसके बाद 40 रुपये रेट है। और देखिए ये आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ा सा बैक स्पेस करके यहाँ पर डिस्काउंट में 5% डिस्काउंट दे दीजिएगा आप लोग। उसके बाद शुगर है, शुगर का क्वांटिटी फिर बैक स्पेस करके चेंज कर लेंगे, देख लेते हैं कि कितना है। तो 45,250 है और 42 रुपये है और 3% डिस्काउंट है, तो 45,250 पॉइंट देकर दीजिएगा आप लोग, 45 अब पॉइंट 250, उसके बाद 42 रुपये रेट है और डिस्काउंट है 3%, तो बैक स्पेस करके ही 3% दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद ये हो गया, उसका फ्लोर, फ्लोर ले लीजिएगा। उसके बाद क्वांटिटी इसका देख लेते हैं, तो क्वांटिटी है इसका फ्लोर का 90 केजी और 120 रुपये और 3% डिस्काउंट है, तो 90 केजी और 120 और 3% डिस्काउंट है, बस 3% डाल के इंटर, बस इंटर इंटर इंटर। यहाँ पर नीचे कैश पूछेगा, यानी कैश लेना है, देखिए यहाँ पर कैश पूछ रहा था तो मैंने यहाँ पर कैश ले लिया, यानी कैश पेमेंट करना है। देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर कैश और यहाँ पर सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर कैश पूछेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैश, और कितना हो रहा है 14,142 रुपये 79 पैसे। तो आपके पास अब कितना है चेंज ये देखना है, तो यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पर आपको कम नहीं लेना है, उतना है तो उतना पैसा ले सकते हैं उससे या उससे ज़्यादा। और यहाँ पर 15,000 डालने के बाद हम लोग क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका रिटर्न बैलेंस शो कर रहा है, ऐसे हम लोग प्रिंट में चेक कर ले रहे हैं, तो इंटर कीजिएगा और ये एक्सेप्ट फिर इंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछेगा, देखिए प्रिंट, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेक करा दे रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट पूछ रहा है और यहाँ पर प्रीव्यू पूछ रहा है और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको लेना है प्रीव्यू, यानी आई प्रेस कीजिएगा या तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा ये, तो मैं इस पर प्रीव्यू पर क्लिक कर दे रहा हूँ और ये आपका प्रीव्यू आ गया, और अल्ट जेड कीजिएगा तो जूम हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सारा आ चुका है, मैं आपको थोड़ा सा नोटिस करा दे रहा हूँ। तो ये सारा आइटम का है और साथ में यहाँ डिस्काउंट भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डिस्काउंट बना हुआ है और डिस्काउंट कितना रुपया है ये सब दिया हुआ है, और कितना हम पैसा दिए हैं और कितना रिटर्न है सब कुछ दिया हुआ है। चलिए इसको मैं बैक कर लेता हूँ, और सेम इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइटम बना चुका हूँ मैं, और यहाँ पर है राज क्लॉथ स्टोर, और एक डिस्काउंट का लेजर इसमें हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो राज क्लॉथ स्टोर, और चलते हैं यहाँ पर क्रिएट और लेजर, और यहाँ पर राज क्लॉथ स्टोर सेंड्रिक क्रेडिटर्स, और यहाँ पर इंटर करते हुए एक्सेप्ट, उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, और यहाँ हो जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर चलते हैं भाउचर में, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल आपका पहले से एक्टिवेट है, देखिए यहाँ पर अगर नहीं हो तो आप लोग इसमें से F8 प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए F8 प्रेस कीजिएगा तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ सेल और सेल कौन सा लेना है, तो आपको पॉइंट ऑफ सेल लेना है तो पॉइंट ऑफ सेल ले लेंगे। उसके बाद पार्टी नेम राज क्लॉथ, उसके बाद सेल का यहाँ पर लेजर रहेगा, सेल का लेजर ले लीजिएगा। नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर आते हैं, तो टी शर्ट है 5 पीस, रेट 590 रुपये, तो यहाँ पर टी शर्ट 5 पीस और रेट, सॉरी 5 पीस रेट 590। उसके बाद शर्ट है, शर्ट ले लिए और इसका क्वांटिटी देख लेते हैं, तो ये 8 पीस है 640 रुपये, 8 पीस 640। उसके बाद जींस है, क्वांटिटी इसका चेक कर लेते हैं एक बार, तो इसका है जींस का है 6 पीस और 1590,
छः पीस और 1590। उसके बाद जींस के बाद फ्रॉक है, फ्रॉक और इसका क्वांटिटी चेक कर लेते हैं फ्रॉक का, तो 4 पीस 390, 4 पीस 390। ये हो गया आपका टोटल, और इंटर करते हुए कैश ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि कैश पेमेंट हो रहा है। और कितना हुआ, 19,170 रुपये। तो आपके पास 19,170 रुपये चेंज है तो दे सकते हैं, नहीं तो एक ही बार 20,000 दीजिए, या तो 19,500 भी दे सकते हैं। जैसे मैं 19,500 देता हूँ, मैंने यहाँ नीचे टाइप कर लिया, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर टाइप करना है आपको। और ये आपका जितना बैलेंस हुआ है उतना शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर भी वही बैलेंस है, तो ये आपका शो कर रहा है इसका। और आपने पेड कितना किया, तो ये पेड किया है आपने, ठीक है, पेड, चलिए पे लिख दिया मैंने, ये आपने पे किया है। तो इसको लेकर इंटर करेंगे, और इंटर एक्सेप्ट, और ये फिर से आ गया इस तरीके से, तो आई प्रेस करना है आपको, और ये देखिए प्रीव्यू आ चुका है, और अल्ट जेड कीजिएगा तो जूम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जूम दिखा रहा है, सारा चीज़ शो कर रहा है, कितना पैसा दिए कितना। और सॉरी एक चीज़, डिस्काउंट का हम लोग थोड़ा सा भूल गए हैं, थोड़ा सा बैक करता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन को पेजअप कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली, देखिए पेजअप कर लें तो क्वेश्चन आ गया। और डिस्काउंट, तो देखिए इसमें डिस्काउंट आपको किस तरह देना है, सारा आइटम दे देने के बाद इंटर कीजिएगा, और एक बार और इंटर कीजिएगा, मतलब एक बार आगे बढ़ के, और डिस्काउंट लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ रेट के सामने नहीं, इंटर करके अमाउंट के सामने आइएगा, कर्सर आपका यहाँ शो करना चाहिए, और -610 रुपये, देखिए यहाँ पर दे रहा है -610 रुपये शो कर रहा है, सॉरी 610 रुपये डिस्काउंट दे रहा है। तो माइनस का चिन्ह लगाकर आपको 610 रुपये इनपुट करना है। तो देखिए यहाँ पर हुआ है 19,170 रुपये, अब ये माइनस हो गया आपका 18,560 रुपये हो चुका है। अब कितना पे करेंगे, तो कितना हुआ मेरा 18,600 हुआ है, सॉरी 18,560 रुपये हुआ है, तो अब 19,000 भी हम लोग दे सकते हैं अगर चेंज है तो, आपके पास 19,000 दे दीजिए, और 440 रुपये रिटर्न आ गया, और ये एक्सेप्ट, और फिर आई प्रेस कीजिएगा तो प्रीव्यू आ गया, और ये चीज़ आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा देखें, यहाँ पर तो ये हमारा सारा डिस्काउंट आइटम हो गया, ये डिस्काउंट हो गया आपका इतना, और टोटल आपने कितना पे किया और कितना आपको मिला, और ये सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।